हेलो दोस्तों, दिन के बज रहे 3। मैं आज 3 बजे से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आतिश के पापा ने आतिश के लिए कुछ ऑर्डर किए थे तो अभी आया है, तो मैं इसको खोल रही हूँ। चलिए देखते हैं इसके लिए क्या ऑर्डर किए हैं। चलिए खोलते हैं। शाम हो गया था तब तक ये ड्यूटी से भी आ गए, तो हम लोग निकल गए थोड़ा सा घूमने के लिए। तो चलिए आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी हल्द्वानी का ये दमुआ दुंगा एरिया। नाम तो शायद सुना होगा आपने, जैसे कि न्यूज़ में आया था अभी लगभग 2-4 दिन पहले, नहीं तो 10-15 दिन पहले शायद आया था कि दमुआ दुंगा एरिया में टाइगर घुसा है, घुसेगा, क्योंकि ये देखो कि इतना पहाड़ के पास है ये एरिया, शायद इस वजह से घुस रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर खेती हुआ है भिंडी का। यहाँ पर हल्द्वानी में ये स्पेशल है कि सब कुछ जैसे कि वेजिटेबल है ना, पूरा जैसे कि मिल जाता है, फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल मिल जाता है। और एक हल्द्वानी में मुझे लगता है कि यहाँ पर दिल खोल के घर बनाते हैं, जैसे कि डिज़ाइन, घर का डिज़ाइन ना दिल खोल के बना लेते हैं लोग। और कौन सा एरिया में इतना तो ठीक है बना लेते हैं सिंपल में लोग, लेकिन यहाँ पर डिज़ाइन बहुत बनाते हैं। और जो भी थोड़ा सा जगह मतलब जहाँ कहीं भी देखो ना हल्द्वानी में, कहीं भी देखो थोड़ा सा जगह कुछ खाली होगा, वहाँ पर खेती तो होता ही, मतलब ज़रूर होता होगा, मतलब खेती लोग कर लेते हैं कुछ भी, मतलब जैसे कि भिंडी वगैरह और टमाटो मिर्च और कॉर्न भी करते हैं और सब कुछ, गेहूँ धान सब कुछ यहाँ पर खेती होता है। ये पूरा आउटसाइड हो गया हल्द्वानी का, पूरा आउटसाइड। अरे अभी हम घुसेंगे दमुआ दुंगा एरिया में, चलिए दिखाते हैं आप लोगों के साथ, आज घूमते हैं दमुआ दुंगा एरिया।
दमुआ दुंगा घूमते घूमते हम लोग पूरा दी एंड पे आ गए, मतलब पूरा पहाड़ के पास आ, मतलब आगे रास्ता नहीं है, यहाँ पर खत्म हो गया रास्ता, ये जंगल है, जंगल मतलब पूरा पहाड़, मतलब आगे जाओगे तो पूरा पहाड़ का ऊपर, मतलब पूरा पहाड़ है, स्टार्टिंग पॉइंट है पहाड़ का, तो देखिए कितना जंगल है। और हम लोग यहीं से वापस आ गए थे। घूम के आने के बाद मैं डिनर बनाने लगी हूँ, सिंपल रोटी और दाल बनाई हूँ, तो रोटी बन गया है, मैं दाल भी बिठा दी थी और ये पक गया है, तो मैं इसको छौंक लगाऊंगी, सिंपल जीरा और राई के साथ, थोड़ा सा हींग डाली हूँ, लहसुन और करी पत्ता के साथ मैं छौंक लगा रही हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग सबको, ये था नेक्स्ट डे मतलब संडे का दिन, अति सुबह सुबह आज उठ गया है और उठकर बाहर खड़ा हुआ है, उसको ग्रिल के पास आना था तो जिद पकड़ के रो रहा था, इस वजह से उसके पापा ने उसको यहाँ पर खड़ा किया है, वो देख रहा है बाहर, उसको थोड़ा ठंडा ठंडा फील हो रहा है। तो चलिए हम ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, मैं रात में चना भिगा के रखी थी तो उसको थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी, सिंपल में बनाऊंगी, बस सरसों ऑयल के साथ थोड़ा सा जीरा और राई के साथ मैं करी पत्ता प्याज टमाटर उसको पहले भून लूंगी और उसके बाद चना को मैंने एक प्रेशर दे के रखी हूँ, थोड़ा सा बॉईल की हूँ और
उसके बाद ये थोड़ा सा हो जाने के बाद चना को इसमें डाल दूंगी। तो आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा नींबू भी थोड़ा सा डाल के खा सकते हैं, नहीं तो चाट मसाला भी मिलाकर खा सकते हैं। और